एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। 9 दिसंबर को हुई जांच में 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। एचआईवी हेपेटाइटिस की जांच का कैंप लगाया गया था। जेल में हर नए बंदी की एचआईवी जांच होती है। सितंबर से 7 दिसंबर तक नहीं हो पाई थी जांच। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एचआईवी जांच में 36 बंदी पॉजिटिव मिले हैं। जेल में लगे कैंप में जांच हुई थी। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। 9 दिसंबर को हुई जांच में यह रिपोर्ट सामने आई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, देखिए जेलों में ये ट्रेंड है कि जो भी बंदी वहां दाखिल होता है उसकी एचआईवी जांच कराई जाती है, और लखनऊ जेल में भी ऐसा हुआ किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि सितंबर से दिसंबर के बीच में एचआईवी किट ना होने की वजह से 9 दिसंबर को कैंप लगाकर वहां पर कैदियों की एचआईवी जांच कराई गई थी, जिसमें 36 जो कैदी थे वो एचआईवी पॉजिटिव निकले थे, और उसके उनका ट्रीटमेंट भी चलता है और अलग से उनका सारा ट्रीटमेंट होता है। और ये भी कहा गया है, जो कारागार विभाग की ओर से बताया गया है, कि कारागार में प्रवेश करने के बाद कोई भी बंदी एचआईवी से संक्रमित नहीं हुआ है, और जो सभी बंदी हैं फिलहाल वहां पे एचआईवी पॉजिटिव, उनका एचआईवी सेंटर में नियमित रूप से उपचार कराया जा रहा है। और विगत 5 वर्षों में एचआईवी के संक्रमण से किसी भी बंदी की मृत्यु यहां जिला जेल में नहीं हुई है। वर्तमान में 63 बंदी ऐसे हैं जो एचआईवी से ग्रस्त हैं, तो ये संख्या और बढ़ी बताई जा रही है। लेकिन अधिकांश बंदी वो हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं और बाहर की सिरिंज से जो विभिन्न प्रकार का नशा लेते हैं, शायद उसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव हैं और उनका इलाज जारी है। करने के लिए और बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों के